अस्सलाम वालेकुम। आज तीसरा दिन हज का है, फ्लाइट का है, बोर्डिंग का टाइम हो गया है, इसलिए मैं घर से जा रहा हूँ एयरपोर्ट ताकि हाजी को खिदमत कर सकूँ। वहाँ से आपको हाजी के जितने भी अपडेट है उन जगह बताऊँगा, वहाँ को लाइब्रेरी का। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अल्लाह का शुक्र अच्छे से हैं। सो आज दरअसल हम जा रहे हैं हावड़ा अपनी बड़ी नन के यहाँ, उनके दावत है हमारी, तो इसीलिए जल्दी जल्दी से, अभी सिर्फ 4 बज रहे हैं, जल्दी जल्दी से रेसिपी शूट कर लेते हैं। आज बना ली नरगिसी कोफ्ते, तो चलिए बताते कैसे बनते हैं। नरगिसी कोफ्ते के लिए मुझे ये आधा केजी मैंने मेंस मीट लिया है। आप कोई भी मीट ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, मटन लेते हैं ले सकते हैं, मैंने मेंस मीट लिया है। अच्छा, इन सब के लिए मसाले मुझे चाहिए। रेड चिली मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पेस्ट लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने ये पेपर पाउडर लिया है, मैंने 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने टर्मरिक पाउडर लिया है, मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, मैंने गरम मसाला 1 टीस्पून लिया है, और मैंने 2 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। मैंने ये वाला जो मेजरिंग कप होता है 1/2 कप, तो 1/2 कप के हिसाब से मैंने जो चने आते हैं भुने हुए चने, उसको मैंने दरदरा पूरा पूरा पीस लिया है, एकदम ग्राइंड कर लिया मिक्सी में। 1/2 कप लीजिएगा बस। और मैंने एक छोटा आलू लिया है और एक मीडियम साइज़ मैंने अनियन प्याज लिया है। पहले मसाले मैं ग्राइंड करने के लिए, ये जो मिन्स मीट है पहले मैं इसको ग्राइंडर में डाल दूंगी, उसके साथ सारे मसाले मैं डाल के उसको ग्राइंड कर लूंगी। उसी में मैं ये आलू और ये प्याज, हरी मिर्ची मैंने 4 ली है, एक धनिया पत्ती की आटी ली है मैंने, ये मैं सब ग्राइंड कर लूँगी मीट के साथ मैं ग्राइंड कर लूँगी, फिर आगे का प्रोसीजर मैं बाद में बताऊँगी। एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए मैं इसमें एकदम पानी नहीं होना चाहिए। आप अगर जब मीट को धोइएगा इसको मतलब आधे घंटे के लिए कम से कम छन्नी में रख दीजिएगा, उसका पानी पूरा निकल जाना चाहिए, क्योंकि पानी रहेगा तो कीमा आपका अच्छे से नहीं बनता। ये ग्राइंडर में डाल दिया है मिन्स मीट, अब मैं इसमें सब मसाले डाल दूँगी। मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी, पहले मैं नमक डाल दूँ, मैं ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी, मैंने पेपर पाउडर डाल दिया, मैं रेड चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, फिर मैं ये गरम मसाले का पूरा पेस्ट डाल दूँगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ डाल दूँगी, रेड चिली पाउडर भी चल जाएगा, और ये मैं टर्मरिक भी डाल दिया। मैंने पूरे मसाले मैंने डाल दिए इसमें। देखिए मैंने मसाला पूरा मिला के, प्याज आलू सब डाल के मैंने ये पूरा एक कीमा बनवा लिया है। अब इसमें मैं ज़रा सा मैं वेजिटेबल ऑयल डालूँगी, मॉइस्चर रहेगा। अच्छा देखिए कितने अच्छे से ये सब ग्राइंड हुआ है। मैंने ना हरी मिर्ची भी ग्राइंड इसलिए कर दी है ना, क्योंकि ना बच्चों को ना हरी मिर्ची मुँह में आती हैं तो पसंद नहीं, तो इसीलिए हर चीज़ ग्राइंड कर दिया मैंने। चलिए अब इसको अंदर में अंडे दे के बनाते हैं। करो फोक की हेल्प से हम अंडे को हर जगह से ब्रेक कर लेंगे, ताकि जब नरगिसी कोफ्ते जब बना रहे हैं, जब गोश्त के अंदर में ये एग डालूंगी तो पूरा मसाले का जो टेस्ट होता है वो अंडे के अंदर में भी चला जाए। तो ज़रा ज़रा सा हर जगह से ब्रेक कर लीजिएगा। हाथ में ज़रा सा आप ऑयल लगा के आप ले लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से, और ये पूरा एक अंडा लेके आप उसको ऐसे रोल कर लीजिए। आप चाहें बहुत ज़्यादा आधा अंडा करके भी होता है, लेकिन मैंने ये पूरा अंडा इसलिए लिया है कि जब ये नरगिसी कोफ्ते बनेंगे इसको हाफ करके जो उसका लुक आएगा वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से आप ये सब मैं बना लूँगी तब मैं दिखाऊँगी। अंडे के साथ मैंने ये ऑलमोस्ट कितने 7 बने हैं मेरे, और बाकी जो मेरा जो कीमा था मैंने इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना लिए, ये भी मैं डाल दूँगी। तो और एक बात, मैंने 2 मीडियम साइज़ अब ग्रेवी के लिए मैं कर रही हूँ, 2 मीडियम साइज़ मैंने अनियंस को मैंने पीस लिया है। अब इसका ग्रेवी बनाते हैं, मैं मतलब नरगिसी कोफ्ते हैं इसे ग्रेवी बनाते हैं, उसके बाद बताऊंगी कोफ्ते किस टाइम डालने।
ये मेरा जिसमें मैंने प्याज को मैंने फ्राई करा था ये वो ही वाला ऑयल है, इसी में मैं ये वाला इसी में डाल दूँगी प्याज। अच्छा 1 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून 2 टीस्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर। नमक आप अपने अंदाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं आपको, अभी मैं सिर्फ ज़रा सा नमक डाल दूँ, बाद में मुझे लगेगा रिक्वायर्ड है तो मैं फिर बाद में आयरन कर दूँगी नमक। अच्छा नरगिसी कोफ्ते में बहुत लोग पहले तेल में प्याज डाल, किसी भी प्याज डालने से पहले गरम मसाले डालते हैं, लेकिन मैं गरम मसाले साबुत नहीं डालूंगी, मैं सारे गरम मसाले पीस के डालूंगी। जो लाल वाली प्याज थी मैंने करके निकाली है उसी में मैं गरम मसाले पीस के डालूंगी। दो लौंग डाल दूँ, 2 लौंग डाल दी मैंने, और एक बात बहुत लोग कोफ्ते फ्राई करके डालते हैं, मैं फ्राई नहीं करूँ डालूँगी, मैं इसी मसाले में कोफ्ते डालूंगी। और अब हम लोग चम्मच नहीं चलाएंगे क्योंकि वो चम्मच कढ़ाई को बस हम लोग ऐसे ही घुमाएंगे क्योंकि चम्मच चलाने से कोफ्ते टूट जाएंगे। अदमा ये छोटे वाले भी जो बॉल्स बनाए हैं कोफ्ते के ये भी डाल देंगे। पहले इसको अच्छे से भुनेंगे, उसके बाद मैं पानी डाल के स्लो फ्लेम में करूँगी, लेकिन सबसे इसके पहले मैं ये क्या बोलते हैं जो प्याज डाल करके मैंने निकाली है उसमें दही गरम मसाले का पेस्ट बना के तब उसके बाद पहले ये भुनाई होंगे, इसको भुनाई कर लें। देखिए पूरा कोफ्ता अच्छे से भुनाई हो गया है, ठीक है। अब हमने जो पेस्ट बनाने जा रही हूँ मैं, तो चलिए पहले पेस्ट बना लेते फिर इसको मैं डाल के दम पर रख दूँगी। मैं ये मैंने गरम मसाले लिए हैं, अभी मैं सारे गरम मसालों को रोस्ट करूँगी, फिर किसी भी ये रेड लाल करी भी प्याज में डाल के थोड़ी सी दही डाल के इसका पेस्ट बनाऊँगी। तो गरम मसाले मैंने क्या क्या लिए, देखिए इलायची ली थोड़ी सी, थोड़ा सा सहजीरा लिया है मैंने, ये बात दिखाओ, ये मैंने कबाब चीनी लिया है, ये तेज़पत्ता है, दालचीनी है, ये जावित्री है, ये ज़ीरा लिया है मैंने, ये गोल मिर्च है, और ये थोड़ी सी जायफल ली है। तो ये सारे सबको मैं रोस्ट करूँगी, रोस्ट करने के बाद में मैं इसके साथ और दही के साथ पीसूँगी। देखिए मैंने पिसी हुई प्याज में ये पूरे गरम मसाले को रोस्ट करके डाला है, रोस्ट करने से इसकी खुशबू और इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छी तरीके से एनहांस होते हैं। और इसमें मैं अब देखिए दही डाल रही हूँ, दही ज़्यादा नहीं डलेगी बस, और कोई पानी नहीं जाएगा, सिर्फ दही डालेगी। आप सही मेजरमेंट के हिसाब से डालिएगा तो कोफ्ते आपके टूटेंगे ना, और दूसरी बात उसमें फैट नहीं होना चाहिए ज़्यादा, फैट रहने से भी कोफ्ते टूट जाते हैं। तो ये देखिए मेरे कोफ्ते एकदम वैसी की वैसी हैं, कहीं से भी नहीं टूटे, बस मैंने कोई चम्मच नहीं चलाया, मैं बस ऐसे हिला के मैंने इसकी बुनाई करी है। अब इसमें मैं ये डालूंगी जो मैंने पेस्ट बनाया है, ये पेस्ट पूरा मैं इसमें डाल दूंगी। तो मैं धनिया पत्ता मैं काट के इसमें डाल रही हूँ, गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा मैंने रख दिया धनिया पत्ता, अभी हो जाए, अभी बस थोड़ा सा ये भुनाई और हो जाए, इसके बाद मैं इसमें पानी ज़रा सा डाल के, पानी डाल के इसको मैं दम पे रख दूँगी। माशाल्लाह से इतनी हवा चल रही है, आसमान कितना काला हो गया है, शीरे उतारे नहीं, दुकान डालेंगे हम कपड़े। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से। सो बस अब निकलते हैं, जा रहे हैं हावड़ा अपनी बड़ी नंद के जा रहे हैं, तो उन्होंने आज दावत दी है ईद की हम लोग को, तो चलिए अगर वहाँ पर आपको दिखा सकती हूँ तो मैं दिखा दूँगी सब कुछ।
और वैसे नरगिसी कोफ्ते मैंने बनाए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैं आज ले के भी वहीं जा रही हूँ और वहाँ का मैं रिव्यू भी दिखाऊंगी अगर कि कैसा बना है, यमी बना है। वैसे मैंने टेस्ट करा है, बहुत अच्छा बना है। सो प्लीज़ अगर जिस तरीके से मेजरमेंट के मैंने बनाया है, आप भी अगर उस मेजरमेंट से बनाइएगा तो ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो चलिए आगे ब्लॉग बनाने, चलिए चलते हैं हावड़ा। सब चले गए, आधे लोग चले गए, मतलब मेरी सास मेरी देवरानी चली गई, पर सब हम लोग बाकी हैं। तो हस्बैंड अभी आए हज कमेटी में, गए थे वहाँ पर, जब हाजी लोग सब जा रहे हैं, बस अब अभी आए हैं, बस अभी निकल। तो माशाल्लाह से हम लोग हावड़ा पहुँच गए हैं। ये देखिए मेरी बड़ी नन ने बनाया चिकन, चिली चिकन बनाया था। ये मैं लेकर आई थी नरगिसी कोफ्ते, वो मैं गरम कर दी, और ये बिरयानी का ऑर्डर दिया था उन्होंने हमारे लिए। माशाल्लाह से घर देखिए इनका, इनका घर का होम टूर मैं कराऊंगी किसी दिन, लेकिन माशाल्लाह से पूरा G+5 है इनका घर। ये मेरे जो बहनोई है वो देखिए सामने स्ट्रेट खड़े हुए हैं। ये छोटी वाली नंद है, सामने से स्ट्रेट नहीं ले सकती हूँ, सो जो आ सकते हैं तो कैप्चर कर सकती हूँ, तो जितना हो सकता है मैं उतना ही कर रही हूँ। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा घर को देखकर आप लोग। ये देखिए अंदर में मेरी जो खड़ी हुई वो मेरी बड़ी नंद है। घोल बना रही है वो। सुबह मैं व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन प्लीज। और भी फोटो शेयर कर रही हूँ, प्लीज देख लीजिए। कैसे बोलते हो बाबा, कैसे करते हो?